आज की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी क्रिसमस सीजन पे हम सब बड़े खुशी से, उत्साह से, सारी दुनिया अपने तरीके से क्रिसमस के आनंद में और क्रिसमस के सेलिब्रेशन में बिजी थी। लेकिन अब जब क्रिसमस समाप्त हो जाता है, उसके बाद क्या, जैसे कि बहुत से बच्चे बच्चों वाली बातें, दुनियादारी की बातें, सीमित बुद्धि की बातें अपनी समझ से करते हैं बच्चे नादानी में, और वो सोचते हैं अरे क्रिसमस तो खत्म हो गया, सारा आनंद तो खत्म हो गया। लेकिन आप और मैं जो जानते हैं बाइबल की सच्चाई को, जो यीशु मसीह के उस बड़े से मकसद को जानते हैं, वो क्या मकसद था, जो यीशु मसीह का मकसद था इस दुनिया में आने के लिए, इस मानव रूप में, बालक रूप में जन्म लेने के लिए, वो क्यों नहीं बड़े शान शौकत वैभव से आया, वो क्यों नहीं एक बड़े बादशाह के घर में उसने राजसी और शान शौकत सी और रईस घराने में जन्म क्यों नहीं लिया, क्यों वो बालक बन के आया, सीधे साधे नम्रता के साथ आया। क्योंकि यीशु मसीह के जन्म की योजना बहुत बड़ी है, जिसको जब हम आत्मिक अर्थ में समझते हैं तो जानते हैं कि क्रिसमस एक दिन का उत्सव नहीं है। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि उसका जन्मदिन मनाया जाए। आप कितना उसका जन्मदिन मना रहे हैं, ये मकसद नहीं है यीशु मसीह का। यीशु मसीह का मकसद बहुत बड़ा है कि आप में से कितने लोग उद्धार पाए, नजात पाए, किसने उसकी इस बड़ी योजना को ग्रहण किया और समझा। क्या है वो क्रिसमस? अब आप और मैं सब जानते हैं कि ये जितनी जगह हम जा रहे हैं, सब जगह सेलिब्रेशन, लाइट्स और डेकोरेशन और सारी दुनियावी बातें, बड़े बड़े क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, डेकोरेशन और जगमग रोशनियां जो सब जगह है, अब लग रहा है कि वो सब उतर जाएंगी, सारी सजावट, सारी रोशनी उतर जाएगी। लेकिन जो मसीह की आत्मिक बात को समझते जानते हैं, जितने ग्रहण कर लिया उस मकसद को, वो जानते हैं यीशु मसीह क्या कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, परमानेंट रोशनी, आत्मिक रोशनी, परमानेंट रोशनी। जितने खाने पीने और पार्टीज आप कर रहे हैं, जो आपने खा लिया और संसारिक भोजन है, और 1-2 घंटे बाद आपको फिर से भूख और फिर से भूख लगेगी, और आप सोचेंगे अब तो पार्टी के सारे खाने और दावतें खत्म हो गई, अब तो मैं सारे सीधे खाने पर आ जाऊंगा। लेकिन वचन क्या कहता है, यीशु मसीह के क्या शब्द हैं स्वयं, मैं वो जीवन की रोटी हूँ, मैं वो जीवन का पानी हूँ, जो मुझ में से पिएगा, जो मुझ में से खाएगा, वो कभी भूखा नहीं होगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा, बल्कि उसमें से वो सोते फूट उठेंगे। आत्मिक अर्थों में बात कही गई है, प्रभु की अपनी पवित्र आत्मा के देने के बारे में बात कही गई है, जिसको जब आप और हम सब समझ लेते हैं, जान लेते हैं, चख लेते हैं, तो जानते हैं यीशु मसीह क्या बात आपसे मुझसे कह रहे हैं, क्यों वो दुनिया में आए हैं, क्यों हम उसके जन्म की खुशी मना रहे हैं। ये सब डेकोरेशन जो आप देख रहे हैं, ये तो इंसानों ने करी हुई है अपनी बुद्धि समझ से, ये योजना नहीं है यीशु मसीह की। इसलिए नहीं आए वो कि वो इंसानी तौर तरीके से उसका सेलिब्रेशन किया जाए। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, वचन कहता है जब मसीह को हम ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन बदल जाते हैं, उसकी राह पर हम चलने लगते हैं, एक भी आत्मा बताई बचाई जाती है, तो स्वर्ग में उत्सव मनाया जाता है। स्वर्ग में उत्सव मनाया जाता है जब किसी एक की भी आत्मा बचाई जाती है, उस शैतानी बंधनों से हटके, उस नरक की आग से बच के हमेशा की जिंदगी में जब हम आते हैं, तो सेलिब्रेशन होता है। वही सेलिब्रेशन जो हमारी आत्मा के बचाए जाने से हो, वही प्रभु चाहता है। तो क्रिसमस आते रहेंगे और जाते रहेंगे ये दिन, क्योंकि हम जानते भी नहीं ऐतिहासिक रूप से कि वो इसी दिन था मसीह का जन्मदिन या नहीं, क्योंकि बाइबल में वर्णन नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं मसीह आए और उनका जन्म हुआ, तो ठीक है, एक तारीख जो मुकर्रर करी, सभी लोग उसमें ही आनंद मनाते हैं, तो एक यादगार के तौर पे हम मना सकते हैं। लेकिन असली आनंद जो आपके और मेरे लिए खास है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए ये सारी योजना मसीह की है, उससे तारीख का कोई लेना देना नहीं है कि वो तारीख आई या गई। आपके घर में कितने ट्री सजे हैं जिनका भी वर्णन नहीं है। बहुत सारे लोगों ने क्रिसमस ट्री के बारे में सवाल पूछे हैं, जो बाइबिल भी नहीं जानते, जो यीशु मसीह को भी नहीं मानते, मगर क्रिसमस ट्री सब सजाते हैं। और वो पूछ रहे थे मेरे से कि कौन सा वाला ट्री होना चाहिए, कौन सी वाली उस पे डेकोरेशन होनी चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल जो लेते हैं वो
तो एक नकली होता है, लेकिन बहुत सारे लोग असली पे भी सजाते हैं। तो जिनका वर्णन ही नहीं है उसके विषय में कितनी चिंता है, जबकि बाइबल हमें बताती है किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे तारे सूरज यानी जो चीजें हैं सृष्टि की उनकी हमें पूजा नहीं करनी है, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। हम उस सच्चे जिंदा खुदा को जानते हैं जो वचन हमें कहता है सिर्फ एक ही परमेश्वर को मानना, उसके अलावा किसी के आगे हमें दंडवत नहीं करना है, किसी और को ईश्वर करके हमने नहीं मानना है जिसने सच्चे जीवित परमेश्वर को जान लिया है। तो ये एक सजावट के लिए आप सजाते हैं और बहुत सारे सिंबल्स उसके साथ जुड़े हैं, बहुत सारी यादगारें उसके साथ जुड़ी हैं, लेकिन मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि आप और मैं जीवन पाए और हमेशा का जीवन पाए। वो आत्मिक रोटी, वो आत्मिक पानी जल जो वो देता है जिससे हम कभी भूखे ना हो और हम कभी प्यासे ना हो, उस आत्मिक रीति से बदल जाए कि हमारे जीवन बदल जाए। और जब हम ये जान लेंगे सत्य को तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये जहां हम बैठे हैं, जगमग रोशनी में बैठे हैं या अंधकार में बैठे हैं, स्वस्थ हैं या बीमारी में हैं, हमारे घर के लग सब लोग साथ में दिख रहे हैं या कोई प्रभु में सो गया। क्योंकि जिसने उस सत्य को जान लिया, सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और यीशु मसीह वही सत्य का आत्मा आपको और मुझे देके जाता है। तो जिन्होंने जान लिया यीशु मसीह के जन्म की बात क्या है, उसकी इस योजना की बात क्या है, जो पूरा बाइबल का पूरे मसीह की जिंदगी का उद्देश्य है वो क्या है, तो आपके मन में ऐसी खुशी हो जाएगी, वो आनंद, वो शांति जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, जो चुरा नहीं सकता और जो किसी भी प्रकार और हासिल नहीं किया जा सकता, चाहे आप कितने शक्ति लगा लें, बुद्धि लगा लें, अपने कोई और टैलेंट लगा ले, वो हासिल नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ सिर्फ एक ही उद्धार की योजना मसीह के द्वारा आपको और मुझे मिलती है। तो जो बच्चे, जो युवा आप सोच रहे हैं अरे खत्म हो गया, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे खत्म हो गया, वो जान ले प्रभु का आनंद ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता, उसकी रोशनी ऐसी है जो कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा वो फिर कभी अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन में रोशनी। उसका वचन क्या है, हमारे रास्ते के लिए चिराग है, अगला कदम कौन सा उठाना है। हम जब चिराग की रोशनी की बात करते हैं तो उतनी रोशनी होती है जो एक दो कदम तक ही रोशनी जाती है कि आगे किधर को चलना है रास्ता, ऐसा नहीं है कि वो पूरा आगे तक का दिखे। लेकिन जब उस पर विश्वास करके उंगली पकड़ के चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो वास्तव में वो जीवित वचन है, सामर्थी वचन है, वो वैसे ही हमारी और आपकी राह के लिए चिराग बन जाता है। तो आज क्रिसमस के बाद, क्रिसमस के पहले और प्रतिदिन, प्रति घंटे, हर एक दिन, हर एक समय सब कुछ आनंदित रहे। हर एक दिन परमेश्वर ने बनाया है, हर एक दिन स्पेशल है, और उसकी आनंद में, उसकी रोशनी में, उसकी पाकीज़गी की, पवित्रता की राह में जब आप चलेंगे तो आप देखेंगे ये आनंद ऐसा है, ये शांति ऐसी है जो वचन भी कहता है मनुष्य की समझ से परे है, मनुष्य की समझ से परे। तो इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।